यहाँ पे मैं एक अनदर इंटरेस्टिंग रोम यूज कर रहा हूँ हमारे मी 11X या पोको F3, आप इसे कह सकते हो, दोनों सेम डिवाइस है, जो कि हमारा हाइपर आर्ट। और ये काफ़ी टाइम पहले ही अपडेट आया है, बट बहुत सारे लोगों की रिकमेंडेशन आ रही थी कि आज के टाइम में इसे चेक करो और बताओ कि अभी स्टिल ये कैसा परफॉर्म करता है और इसे यूज करना चाहिए या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा हर एक चीज़ों के बारे में, और कुछ चीज़ें जो कि आपको मैनुअली फिक्स करनी पड़ेगी वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा, ताकि आप डिसाइड कर पाओ इसे डालना है या नहीं। क्योंकि जितना मैंने यूज़ किया रोम रियली में काफ़ी इंटरेस्टिंग है और आपको पसंद भी आएगा, बस जरूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब। और मैंने कुछ प्रीमियम चैनल वगैरह भी स्टार्ट कर रखा है, जहां पर कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा और एडवांस देखने को मिलती है, तो उसका डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, चेकआउट कर लेना, पसंद आया तो आप ज्वाइन कर लेना। अगर आपको ये वॉलपेपर चाहिए तो इसका लिंक आपको इसके डाउनलोड लिंक के साथ अटैच कर दूंगा मैं, आप वहाँ से निकाल पाओगे और यूज कर पाओगे। साथ ही साथ आप देखोगे यहाँ पे आइकन एनिमेशन हमारा प्रॉपर काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। अनलॉकिंग एनिमेशन बिल्कुल ही डिफरेंट आपको देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से काम करता है। सुपर फोल्डर यहाँ पे एडवांस वाला दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, और काफ़ी सही तरीके से आप अपने होम स्क्रीन को कस्टमाइज कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आपका सुपर आइकन वर्किंग है, यहाँ पे विजेट्स वर्किंग है, और सुपर फोल्डर भी आपको यहाँ पे मिलता है। सेटिंग में थोड़ा बहुत AOSP जैसा फील आपको आता है, जो कि देख रहे हो किस तरीके से कैटेगरी बनाई गई है, जो कि मुझे पसंद आया है। माय डिवाइस में आप देखोगे हाइपर आर्ट का ये 1.0.8 का अपडेट है, जो कि चाइना बेस है, और हमारे मेंटेनर का नेम आपको देखने को मिल जाएगा। साथ साथ डिटेल एंड इन्फो के अंदर इन करते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है Android 14, जहाँ पे 2024 8 मंथ का सिक्योरिटी पैसेज, जो कि थोड़ा ज़्यादा ओल्ड है, बट डोंट वरी, सारी चीज़ काम करने से मतलब है, बाकी चीज़ों का कुछ खास मैटर नहीं करता मेरे नज़र में, बट आपकी नज़र में करता है तो भाई आप देख लेना। बाकी सेटिंग का जो UI है रियली में काफ़ी स्मूथ रहता है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही तरीके से काम करता है। पहले बेसिक चीज़ों पर नज़र डालेंगे, फिर एडवांस पर हम नज़र डालेंगे। जैसे कि एडवांस के पहले बेसिक हमारा लैंग्वेज सपोर्ट मिल जाता है, चाइना बेस है पर सारे लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिलते हैं, अच्छी बात है। बाकी वही बेसिक्स ऑप्शन जैसे कि फ्लोटिंग विंडो वगैरह आपको देखने को मिल जाता है, मेमोरी एक्सटेंशन देखने को मिल जाता है, कीड स्पेस वगैरह, क्लियर स्पीकर वगैरह। बैटरी के अंदर इन करते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है बैटरी से रिलेटेड वही सारे कॉमन से फीचर्स। और यहाँ पे जो लोडिंग टाइम है ना, ये MIUI के टाइम में थोड़ा ज़्यादा था, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है, बट कोई बात नहीं। और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम भी आपको मिलता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहेंगे। डिस्प्ले के अंदर आते हैं तो यहाँ पे डार्क मोड में सारे चीज़ें फिक्स है, क्योंकि ऑफिशियली चाइना में फिक्स नहीं था, बट इसके अंदर आपको आर्ट में फिक्स मिलता है। ऑटो ब्राइटनेस प्रॉपर वर्किंग है, यहाँ पे एडवांस टेक्सचर का है, एंटी फ्लिकर भी आपको देखने को मिल जाता है। बाकी आप रिफ्रेश रेट को सेट कर सकते हो 60, 90 और 120 के ऊपर, जो कि आपको जो नीड है वो आप यहाँ पे रख पाओगे। अदर यहाँ पे इसका लॉन्चर थोड़ा सा एडवांस में कहूँ की है, जहाँ पे आपको होम सर्च बार डबल टैप टू लॉक देखने को मिल जाता है। रो एंड कॉलम काफ़ी ज़्यादा दे दिए गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आइकन के थ्रू कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डोंट शो ऑलवेज शो टेक्स्ट वगैरह का है, यहाँ पे आप रिसेंट को चेंज कर सकते हो, यहाँ पे कुछ चीज़ें भी और बदल सकते हो, टाइप को छोटा बड़ा भी कर सकते हो। आईफोन वाला स्टाइल भी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सही और एक्यूरेट तरीके से काम करता है। बाकी आप असिस्टेंट वगैरह भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे भी फिर से डेस्कटॉप एनिमेशन को कंट्रोल करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, अनलॉकिंग एनिमेशन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पे डिवाइस डिस्प्ले अनलॉक एनिमेशन को आप एडजस्ट कर पाओगे, प्रीवियस ऐप पे स्विच करने का ऑप्शन, फोल्डर ब्लर वगैरह के ऑप्शंस वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जो कि आप अपने हिसाब से यहाँ पे चीज़ें जो कर सकते हो। और जो कुछ भी आप चेंज करोगे वो सारे अप्लाई आपके हो जाएंगे। अगर आपका अप्लाई नहीं होता तो यहाँ पे एक रीस्टार्ट लॉन्चर कर सकते हो, उसके बाद आपको सारे चेंज देखने को मिलेंगे जो कुछ भी आपने यहाँ पे कर रखा है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको जो बदलाव देखने को मिलेगा, जो कि बिल्कुल ही सही काम करता है, और लॉन्चर भी यहाँ पे प्रॉपर वर्किंग रहता है, जिसकी वजह से कोई भी लैग वगैरह फील नहीं होता। यहाँ पे नोटिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे नोटिफिकेशन स्टाइल, नोटिफिकेशन कैरियर वगैरह, स्पीड मीटर वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिक चीज़ें हैं, जो कि सही है। और यहाँ पे नोटिस करोगे जब भी मैं कोई सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, हैंड टू हैंड क्लिक हो जाता है और रिस्पॉन्स कर देता है, बट कुछ कुछ ऐसे रोम आते हैं जहाँ पे टैप करने के कुछ सेकंड बाद ही वो ओपन होता है, बट यहाँ पे ये चीज़ मुझे देखने को नहीं मिली ना के बराबर है, जो कि मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा है। बाकी पर्सनलाइज के अंदर आपको AOD का टाइमिंग वगैरह मिलता है, जो कि अनलॉक किया गया, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, बट मैं तो यहाँ पे रिकमेंडेड करते हुए 10 सेकंड ही यूज करो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये चीज़ यहाँ पे काफ़ी सही निकल के आती है, तो आप अपने हिसाब से कर लेना। और हाँ, यहाँ पे आपको थीम का आइकन मिलता है, जहाँ से आप डायरेक्ट थीम स्टोर पर जाके अनलिमिटेड बहुत सारे यहाँ पे AOD क्लॉक्स आपको मिलते हैं, जो कि आप अप्लाई करके कस्टमाइज कर सकते हो अपने AOD को, जो कि इसे और भी ज़्यादा अच्छा बना देता है। वहीं पे वॉलपेपर की बात करें तो बाय डिफॉल्ट आपको सुपर लाइव वॉलपेपर का कलेक्शन पूरा का पूरा मिल जाता है, बस डाउनलोड करना है और यूज करना है, या फिर आप अपने हिसाब से डिफरेंट वॉलपेपर कलेक्शन भी आप यूज कर सकते हो, और इतने सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा दिए भी गए हैं। साथ साथ ये इसका बाय डिफॉल्ट आने वाला वॉलपेपर है, जो कि मैंने चेंज करके डिफरेंट डाल रखा है, जो कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसका खुद का कस्टमाइजेशन, जहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टेटस बार, अप्लाई का बटन, कलर डिसेबल, HD को वोल्टी में चेंज करना, हाइड करने का ऑप्शन, यहाँ पे डेटा आइकन वगैरह, नॉच के अंदर अलग अलग लुक दिए गए हैं, जैसे
जाएगा, आप देखोगे कि नॉच पे आपको हार्ट आइकन बना हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप चीजें जो बदल सकते हो जो कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, बस एक बार अप्लाई बटन पे क्लिक कर देना है। आपका यहाँ पे यूआई रिफ्रेश होगा, आप देखोगे यहाँ पे भाई बन चुका है डेविल वाला आइकन, तो आपको अच्छा लगता है तो रखो, अदरवाइज डिसेबल कर सकते हो। बाकी टाइमिंग फॉर्मेट वगैरह आपको मिल जाता है, इस बार के अलग अलग क्लॉक फॉर्मेट मिलते हैं जो कि प्रीव्यू यहीं पे नजर आ जाता है, तो यहीं से आप डिसाइड कर पाओगे कौन सा क्लॉक आपको अच्छा लग रहा है वो रखना है या नहीं। उसके बाद पैडिंग कंट्रोल कर सकते हो, डिसेबल क्लॉक ट्रांजिशन वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। कंट्रोल सेंटर के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है स्मॉल वगैरह के ऑप्शंस, मीडिया प्लेयर वगैरह का, और ये बिल्कुल ही बिखरा हुआ रहता है, तो इसे आप यहाँ से एडिट करके अपने हिसाब से अरेंज कर लेना, क्योंकि मैंने खुद पर्सनली किया है। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक्सपेंड वगैरह का ऑप्शन, डिसेबल का, क्लॉक अलग अलग स्टाइल फॉर्मेट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि मैं यहाँ पे पर्सनली यूज कर रहा हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये क्लॉक आपको देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे iOS वाला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, यहाँ पे नोटिफिकेशन वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, वेदर के ऑप्शन आपको मिलेंगे, और यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर आपको हायर FPS अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। मोनेट नेपबार जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका काम करता है। अनदर मिसलेनियस के अंदर आपको मिल जाता है डिवाइस का, यहाँ पे नेम चेंज करने का ऑप्शन, वाइब्रेट फिंगरप्रिंट का, एडवांस पावर मेनू वगैरह आपको मिल जाएगा। हिडन सेटिंग के अंदर वही नोटिफिकेशंस वगैरह, और यहाँ पे आपको थीम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन मिलते हैं, और यहाँ पे आपको जो आईफोन वाला स्टेटस बार भी दिया गया है, जो कि अगर आप थीम अप्लाई करते हो तो सिर्फ उसे स्टेटस बार ही चेंज ये करता है, बाकी चीज़ें आपका नॉर्मल ही रहता है। तो आप इसे अप्लाई करके बाकी चीज़ें आप कर सकते हो, अगर आपको ये लुक बदलना है तो देख सकते हो यहाँ पे बदल चुका है। लेकिन अगर मुझे जो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वाला ही चाहिए, तो मैं फिर से बाय डिफॉल्ट यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, और उसके बाद मेरा जो मैंने कस्टमाइजेशन खुद से किया पर्सनली, वो यहाँ पे वापस से आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज करने के बाद आपका आइकन का कस्टमाइजेशन चेंज नहीं होता, बिगड़ता नहीं है, ये अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे थीम सर्वर जो कि आप यहाँ से सिंपली है जो बदल सकते हो, चाइना, इंडिया, ग्लोबल और रशिया वगैरह देखने को आपको मिल रहा है। अनदर यहाँ पे स्वूफ के ऑप्शन दिए गए हैं, बट ये मैं ऑफ कहूँगा कि कर लेना, क्योंकि जब ये रोम आया था बाय डिफॉल्ट आपको फिक्स मिलता था, बट अब गूगल भाई नाक में दम कर रहा है, तो बाय डिफॉल्ट वाला यहाँ पे फेल हो चुका है, लेकिन आपको मैनुअली फिक्स करना पड़ेगा। और मैंने 1-2 डेज पहले ही वीडियो दिया कि इसे कैसे आप ठीक कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे पर्सनली फिक्स भी कर रखा है जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो उस वीडियो को फॉलो कर लेना, उसके बाद आप ये फिक्स कर पाओगे और बैंकिंग ऐप वगैरह आप यूज कर पाओगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, तो इसका प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा आज के डेट में भी। और ये आज के टाइम में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है उनके लिए जो कि बैंकिंग ऐप यूज करते हैं, आप कुछ ऐसे एप्लीकेशन जो कि काम नहीं करते सेफ्टी नेट पास के बिना, तो वो चीज़ आपकी सॉल्व हो जाती है। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके वर्किंग रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। और यहाँ पे आइकन मैनेजर जैसे कि USP में रहता है, वो चीज़ आप चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कर रखा है, चाहे वो बैटरी हो, वोल्टी का आइकन हो, या यहाँ पे नेटवर्क वगैरह हो, तो ये चीज़ आप बदल पाओगे। और एक चीज़ आप यहाँ पे जरूर नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारा 5G लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पे Jio 5G हमारा वर्किंग है, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आप एक इंडियन यूजर हो इस रोम को डालते हो तो 5G आपको नहीं मिलता है, इसको आपको फिक्स करना पड़ेगा मैनुअली। मैंने आज के डेट में ये वीडियो दिया है कि कैसे नॉन सपोर्टेड रोम के अंदर 5G को एक्टिवेट कर सकते हो Jio 5G को, क्योंकि Airtel 5G आराम से काम कर जाता है, बस इंडियन यूजर्स को Jio के साथ प्रॉब्लम आती है कुछ कुछ रोम के अंदर, तो वो प्रॉब्लम आपकी यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। उस वीडियो को देख लेना, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और बाकी यहाँ पे आपका वीडियो कॉल वगैरह सब कुछ वर्किंग रहता है, तो इसमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और कैमरा वगैरह भी आपको जो अपडेटेड मिल जाता है, जो कि यहाँ पे मुझे अच्छा लगा है, तो कैमरे से रिलेटेड भी मैं कहूँगा कि कोई शिकायत नहीं है, बिल्कुल ही सही तरीके से परफॉर्म करता है। अब रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस क्या निकल के आता है इस रोम का, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको आइडिया लगे कि रोम कैसा बिहेव करता है परफॉर्मेंस के मामले में। तो बाय डिफॉल्ट आपको इतने ही एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, बाकी आप अपने नीड के हिसाब से डाल सकते हो। और वहीं पे हम बात करें कंट्रोल सेंटर की, तो कुछ इस तरीके से बिखरा हुआ रहता है, और देखो यहाँ पे 4G है, तो मैंने इसे ठीक कर लिया, जो कि आप देखे ठीक कर लेना, और बाकी चीज़ें आप ठीक कर पाओगे। वीडियो कॉल वगैरह आपका काम करता है, स्वूप भी यहाँ पे आपका ऐड रहता है बूट और लॉक वाला, बट आप जैसे ही सेफ्टी नेट पास करोगे तो उस मैटर से भी आइए, आपका वापस से ऐड हो जाता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा बगी था, काम नहीं कर रहा था, बट मैंने फिक्स कर लिया। उसके बाद बैटरी टॉप देखो 54 के बाद यहाँ पे 54 ही आता है, और काफ़ी लंबे टाइम के बाद Mi 11X डिवाइस के लिए ऐसा रोम मिला जिसमें 0% ड्रेन देखने को मिला। ये चीज़ मैं कहूँगा यार काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है, जहाँ पे 8 hours 49 minutes का यानी 9 hours कह सकते हैं और 0% ड्रेन है, तो बैटरी के मामले में ये काफ़ी बेहतरीन साबित होने वाला है आप सभी के लिए, जो कि अच्छा लगा। और जितना मैंने यूज़ किया उसके हिसाब से भी मुझे बैटरी ड्रॉप ज़्यादा देखने को नहीं मिला। वहीं पर हमारा जो नॉर्मल CPU टोटल है 334,000 मैक्स, और मिनिमम यहाँ पे 282,000 है, 86% का परसेंटेज है। और अभी का भाई गर्मी का माहौल इतना ज़्यादा भयंकर है ना, कि लगता है कि फ़ोन इस तरीके से रन कर दो तो कहीं ख़राब ना हो जाए। जी हाँ, रियली में बहुत ज़्यादा गर्मी है, जहाँ पे अगर इसे रनिंग के टाइम मैंने जो टेम्परेचर चेक किया, नोटिस किया, वो है 47, जो कि बहुत ज़्यादा चला जाता है। बट इस रोम की कमी नहीं है, गर्मी का प्रॉब्लम है। अगर आप कूलर के सामने या AC में रहते हो तो आपको इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, और इतना ज़्यादा टेम्परेचर जब इस तरीके से टास्क करते हो तभी जाता है। नॉर्मल यूज में कोई भी आपको हीटिंग वॉर्म वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जाहिर सी बात है गर्मी है, तो भाई मेरा यहाँ पे अल्ट्रा इतना हीट हो जा रहा है कि 3-4 घंटे ले रहा है फुल चार्जिंग होने में, मैं चार्जिंग भी
नहीं कर पा रहा हूँ ढंग से अपने फ़ोन को, जबकि भाई ये सारे डिवाइस अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं फिर भी। और वहीं पर AnTuTu स्कोर की बात करें तो भाई काफ़ी सही काम कर जाता है, स्कोर काफ़ी अच्छा खासा रहता है और परफॉर्मेंस बूस्ट में आपको थोड़ा और बेटर ही मिलेगा। वहीं पर इक्विपमेंट वगैरह भी ठीक है, थोड़ा और बेटर हो सकता था, लेकिन परफॉर्मेंस बूस्ट करोगे तो वो भी हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा अंडरक्लॉक में कमा के रखा गया है, जिसकी वजह से आपको बैटरी इंप्रूवमेंट मिलेगा और गेमिंग के टाइम में आप बूस्टर यूज करते हो तो आपको और अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कि जब फोन गर्म था उस समय मैंने चार्जिंग किया तो 35 मिनट में ओनली 45 गया, जो कि काफ़ी सुपर स्लो है। और अभी सिर्फ ये नहीं, सारे फोन स्लो चार्जिंग कर रहे हैं गर्म होने के बाद, लेकिन जब ये नॉर्मल कूल डाउन था तब आप देखो 10 मिनट में 16% गया, तो ये काफ़ी सही स्पीड में कमा के अच्छा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फोटो स्टोरेज भी आपको यहाँ पे अनलॉक मिल जाता है, L1 का सपोर्ट मिल जाता है, HDR 10+ वगैरह आपको मिलेगा, जो कि यहाँ पे सही लगा। और हाँ, गेमिंग में आपको ऑनलाइन एक्सट्रीम और एक्सट्रीम प्लस अनलॉक मिलता है, यानी 90 FPS है, 120 यहाँ पे अनलॉक नहीं है। ऐसे भी 120 एक्यूरेट काम नहीं करता है सभी डिवाइसेज के अंदर, तो 90 ही रखा गया, जो कि अच्छे से ये हैंडल कर लेगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो ये भी चीज़ यहाँ पे सही निकल के आती है। तो ये मैं यहाँ पे इतना ही कहना चाहूँगा इसके बारे में कि रोम मुझे पसंद आया और स्टिल आप इसे अभी भी प्रीफर कर सकते हो, चाहे बेसिक नीड हेल्थ के लिए, बैटरी बैकअप वगैरह के लिए या फिर गेमिंग के लिए। और अगर आपको परफॉर्मेंस बूस्ट करना ही है तो सिंपल आप अपने जो यहाँ पे जाओ क्या कहते हैं एडिशनल के अंदर, उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा फ्लोटिंग और यहाँ पे आपको साइड बार और यहाँ पे आपको मिलेगा गेमिंग वाला ऑप्शन। यहाँ से आप जो भी एप्लीकेशन को बूस्ट करना चाहते हो ऐड करके रन कर देना। मैंने CPU टोटल नॉर्मल टेस्ट किया है, यहाँ पे बाद में मैं ऐड कर रखा हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐड करके आप यूज करोगे तो आपको रिजल्ट और भी ज़्यादा बेहतरीन मिलेगा। तो स्टिल मैं यहाँ पे इसे रिकमेंडेड करूँगा, बस आपको यहाँ पे सेफ्टी नेट से रिलेटेड मेथड फॉलो करना पड़ेगा, तब जाके आप ये फिक्स करके यूज कर पाओगे बैंकिंग और बाकी चीज़ें। तो ये छोटा सा कॉम्प्रोमाइज अभी करना पड़ेगा अभी के टाइम पे, और ये कॉम्प्रोमाइज अभी के टाइम पे किसी भी रोम में आप करते हो, चाहे नया हो या पुराना हो, सभी में आपको देखने को मिलता है प्रॉब्लम, जो कि आपको मैनुअल फिक्स करना पड़ जाता है। और रही बात इंस्टॉलेशन, वही सिंपल सा मेथड है, रिकवरी में जाना है, वाई फ्लैश फॉर्मेट कर देना है, मैं इंस्टॉलेशन गाइड लास्ट में ऐड कर दूंगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर देना और मेरे प्रीमियम चैनल का डिटेल वगैरह आप चेक कर लेना, अगर आपको सही लगता है तो आप ज्वाइन हो सकते हो, वहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें आपको बेटर मिलती रहेगी एवरी टाइम। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। ये एक जस्ट इंस्टॉलेशन प्रोसेस है, तो बस आपको देखना, सुनना, समझना और फॉलो करना है, और जो डिस्प्ले पे टेक्स्ट वगैरह आ रहा है उसे भी आपको ध्यान देना है। यहाँ पे फोन ऑफ है, जस्ट पावर बटन एंड वॉल्यूम डाउन को लॉन्ग प्रेस करेंगे, जिससे आपका फोन है जो फास्ट बूट लोगो शो कर देगा। PC से कनेक्ट करके हम कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करेंगे हमारे डिवाइस का सपोर्टेड। इस टूल का वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आपने नहीं देखा है तो देख लेना कैसे यूज करना है, उससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। ये बिल्कुल ही सिंपल है और वन टाइम में रिकवरी को इंस्टॉल कर देता है। रिकवरी ऑन हो जाने के बाद अगर स्क्रीन पे पासवर्ड डालने के लिए आ रहा है तो आपका जो भी लॉक स्क्रीन का पासवर्ड होगा उसे डाल लेना। उसके बाद आपको रोम को ब्राउज कर लेना है, ऐड करना है और स्वाइप कर देना है। किसी रोम के अंदर इंस्टॉलेशन के टाइम में आपको यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आ सकता है, वॉल्यूम अप प्रेस करना, वॉल्यूम डाउन प्रेस करना, तो जिस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इंस्ट्रक्शन, उसी तरीके से आपको जो वॉल्यूम अप डाउन का यूज कर लेना है। अगर नहीं आता है तो सिंपल फ्लैश होने देना है। आफ्टर कंप्लीट फ्लैश आप सिंपल यहाँ पे वाइप पे जाके, फॉरवर्ड पे जाके यस टाइप करके फॉर्मेट करके रिबूट कर सकते हो। तो यहाँ पे कुछ ही मिनट में जब बूट एनिमेशन आ गया, बस अब थोड़ी देर में ऑन हो जाएगा, सेटअप करके हम यूज कर पाएंगे। आई होप कि आपको प्रोसेस समझ में आ गया है, क्या फॉलो करना है, कैसे करना है। और वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके जाना। और ये एक इंस्टॉलेशन गाइड है जो कि आपको अपने डिवाइस के लिए सेम टाइप का है जो फॉलो करना है।